हेलो गाइज एंड गुड इवनिंग गाइज, और हम निकल पड़े हैं आज अपना व्लॉग बनाने के लिए फिर से। और आज है बसंत पंचमी, और हम आज आपको बसंत पंचमी के मेले को दिखाने के लिए जा रहे हैं। और जाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों, वहाँ काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है और काफ़ी मज़ा भी आता है। और बस अब थोड़ी सी देर में हम पहुँचने वाले हैं और काफ़ी थक भी चुके हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि कितने लोग यहाँ पर इस मेले पे आते हैं। इस मेले में आने का मेरा कोई मन तो नहीं था दोस्तों, लेकिन आपके लिए मैं इस मेले में आया हूँ, और आई होप कि आप भी इंजॉय करेंगे इस मेले को। और हम पहुँचने वाले हैं दोस्तों, और इस मेले में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस मेले में इंजॉय करें। और सबसे ख़ास बात इस मेले की यह है कि ये मेला सभी लोगों के साथ मिल के मनाया जाता है, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग रहते हैं। और बस हम पहुँचने वाले हैं, और मैं आपको उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे जो बाघों के लिए जो बाघ बचाने के लिए किस तरह से यहाँ पे देखिए ये इनकी तस्वीरें लगाई गई हैं जंगलात वालों के द्वारा, फॉरेस्ट वालों के द्वारा, और बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा दी गई हैं। और हम ये देखिए दोस्तों, सामने जो मेला लगा है यही है, यहीं पर मेला लगा हुआ है, और हम पहुँचने ही वाले हैं वहाँ पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो दोस्तों काफ़ी चहल पहल भी है। ये उसका मेन गेट है, जो मेला है यहीं से स्टार्ट हुआ है बाहर का सीन, और हम अब अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हम खरीद सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है बच्चों के लिए खासकर आइटम। का लिया अंकल 20 रुपये का, अच्छा तो ठीक है, तक 20 रुपये आप इसे खरीद सकते हैं, तो महंगा नहीं है, कोई भी खरीद सकता है। चलिए हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या और क्या क्या यहाँ पे आया हुआ है। और अधिकतर वैसे मेलों में बच्चों के ही सामान आते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपके बच्चे ज़रूर आपको परेशान करेंगे कि मुझे कुछ लेके दो, इसलिए आप अपनी जेब गर्म करिए कि ही हाँ आइएगा। ये देखिए, ये हैं जो प्लास्टिक फूल कहते हैं जिनको, वो ये हैं अगर आप घर में सजाने के लिए कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ पे आके आप ले जा रहे हैं या किसी भी मेले में जाके आप ले सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन ये लगभग सभी जगह उत्तर भारत में लगता है मेला। आप देखें दोस्तों, ये चावल के दाम लिखते हैं, और देखें दोस्तों ये बना रहे हैं चावल के दानों से, जो नाम लिखने की कला है इनके अंदर बहुत ही बेहतरीन है। और आगे चलिए दोस्तों, ये गुड्डे लगे हुए हैं, अगर आपके बच्चे खिलौना पसंद करते हैं तो उनके लिए आप गुड्डे ले आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके बच्चों के लिए यह बहुत बेहतरीन जगह है, अगर आप अपने बसंत पंचमी के दिन आप उत्तराखंड में आइए और अपने बच्चों को यहाँ पे उनकी मनपसंद चीज़ें खरीद के दीजिए।